ये है गोवा, जिसे कुदरत ने अपने खूबसूरत नजारे सजाया है। यहाँ हर धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ की जिंदगी सीधी सादी, शांत और खुशहाल है। यहाँ की सादगी में एक पवित्रता बिखरी हुई थी। यहाँ के माहौल में एक मासूमियत थी, एक अल्हड़ बच्चे जैसी मासूमियत। लेकिन सैकड़ों साल पहले पोर्चुगीजों ने गोवा पर हमला कर दिया। यहां की शांति और सुकून को ग्रहण लग गया। नहीं होगा। क्या हुआ दादाजी? कोई बुरा सपना देखा क्या? आज तो मैं आपका सपना सुन के ही रहूंगी। आप अक्सर नींद में बड़बड़ाते हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। दादाजी, ऐसा कौन सा सपना देखते रहते हैं आप? बेटी उषा, दरअसल ये सपने सैकड़ों साल पुराने सत्य हैं। ये ऐसी हकीकतें हैं जो हर एक गोमांतकीय के दिल में छुपती हैं। दादाजी, मैं आपकी पोती हूँ, मेरे अंदर भी गोमांतकीय खून है। मुझे भी वो सारी बातें बताइए जिन्हें मैं भी अपने दिल में संजोकर रख सकूं। ठीक है बेटी उषा, सुन। लगभग 500 साल पहले समंदर के रास्ते से पोर्चुगीज हमारी भूमि पर उतरे। हजारों मंदिर तोड़े गए, भजन कीर्तन के मीठे सुरों की जगह बेबस लोगों की आहों और चीखों ने ले ली। गोमांतकीय जनता को ईसाई बनाने की साजिश शुरू हुई। पीने के पानी में डबल रोटी डाली जाने लगी। वो पानी पीने वाले ईसाई करार दिए जाते, जो पानी नहीं पीते थे उनके मुंह में जबरन डबल रोटी डाली जाती। और कभी कभी गोमांस ठूंस कर पादरी ये ऐलान कर दिया करते थे कि जनता ईसाई बन गई। इस भूमि पर औरत को देवी समान इज्जत थी, वो जननी कहलाती थी। उसी के जरिए संस्कारों का आदान प्रदान होता था। यहां मंदिरों की घंटियों की मधुर गूंज और प्रार्थनाओं के धीर गंभीर स्वर वातावरण में शांति का संदेश फैलाते थे। लेकिन पोर्चुगीजों ने गोवा की जनता पर अत्याचारों का कहर ढाया। हिंदू धार्मिक विधियां जैसे जुर्म बनकर रह गई।
जहां शांति और सभ्यता बरपती थी वहां जंगल राज शुरू हुआ। इंसानियत एक कोने में दुबक गई। औरतों को अपमानित किया गया, पवित्र संस्कारों को जूतों तले कुचला गया, हजारों साल पुरानी संस्कृति पर आक्रमण कर उसे तहस नहस किया गया। इंसानी अत्याचारों को देखकर ईश्वर भी हैरान हो गया। चीखें दबा दी गई, आहों का गला घोंट दिया गया। गोवा की मासूमियत पर पोर्चुगीजों का काला साया फैल गया। विद्याबलं दैवबलंत देव लक्ष्मीपते ते मनसा स्मरामि शुभलग्न सावधान। यहां आकर उन लोगों ने गोवा की जनता पर अनगिनत अत्याचार किए। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सब कुछ भ्रष्ट कर दिया। ईसाई ने हिंदू पंक्ति में बैठकर भोजन किया। अब आप सब हमारे हो गए, आप सब ईसाई बन गए। धर्म बदलने पर मजबूर करने के लिए धर्मसत्ता और राजसत्ता ने हर तरह की तरकीबें आजमाई। धर्म समीक्षण सभा की आज्ञा का पालन न करने वालों पर जुल्मों का कहर ढाया गया। इस दौरान हजारों लोगों के घर बार लूटे गए। मां बहनों की इज्जत खिलवाड़ बनकर रह गई। जिंदगी के बजाय लोगों ने मौत को अपनाया। मरने के बाद अग्नि संस्कार करने पर भी पाबंदी थी। तराफा या कश्ती को ही चिता का रूप दिया जाता था। ऐसी चिता को जलाकर उसे पानी में धकेलकर लोग छिप जाते थे। लेकिन जब ऐसे लोग पकड़े जाते तो उन्हें बेरहमी से कड़ी सजाएं दी जाती थी। पोर्चुगीजों के अत्याचारों से लोग तंग आ चुके थे। इस भूमि पर इंतकाम की आग दहकने लगी थी। फादर, अंबेड़ी, असोड़ा, वेड़ी, वरोड़ा और कुंकड़ी गांव के लोगों की हिम्मत तो देखो। पिछले कई दिनों से सरकार को लगान तक नहीं दिया। पूरे इलाके पर अपना ही हुकुम चलाते हैं, जैसे इन्हीं का राज हो। फादर, इनको सबक सिखाना जरूरी है। कल सिपाहियों के आते ही हम सबको ईसाई बनाएंगे और इसकी शुरुआत हम कुंकड़ीम से करेंगे। आई आई आई, कुंकड़ी गांव में आपका स्वागत है। मैं इस गांव का मुखिया हूँ। कैसे आना हुआ इस छोटे से गांव में? किधर कह रहे दुश्मन अनु? तुम गए ना किधर काम आसा? ए मुखिया, कल गांव के सभी लोगों को यहाँ पर बुला लेना। हम सबको ईसाई धर्म की दीक्षा देंगे। फादर, यहाँ कैसे लगेगा क्रॉस? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी जगह है चर्च के लिए। इंगोर्स बन पगनू रे, तुम जो घूम के मार पाक सापड़ ले, सार के सापड़ ले, आता तुम ही कोशिश मत पगना। और चर्च भी बांधना ही होगा। चाहे कितने भी लोग क्यों न मरे, लेकिन धर्म के इस कार्य को पूरा करना ही होगा।
सरकार, पुलिस और फौज सभी आपके साथ है फादर। हत्यारों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे उनके आने वाली नस्लें तक याद रखेंगी। दरअसल शासक पराजय बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बदले की साजिश रची और सीधे साधे गोमंत किए धोखे में आ गए। अंबेडी, असोल्डा, वेल्ली, वरुड़ा और कुंकणिम इन पांच गांव के 16 मुखियाओं को असोल्डा किले पर समझौते के बहाने बुलाया गया। कुंकणी के बाद आप लोग ये समझ चुके होंगे कि अगर शासन का अत्याचार हद से बढ़ जाए तो क्या होता है। ईसाइयों, हमारे अपनों का खून बहाओगे तो तुम्हारा भी खून बहेगा। इसीलिए तो हमने समझौता करने के लिए आप सब मुखियाओं को यहां बुलाया है। तो फिर समझौता कब होगा? समझौता भी होगा इसी वक्त। सिपाहियों, ओसोड़ना की इस धोखाधड़ी के बाद गोवा की जनता पर अत्याचार और बढ़ा दिए गए। तो क्या गोमंत की जनता को किसी ने भी मदद नहीं की तब? ऐसी बात नहीं है बेटी उषा। पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने कोशिश की, उनके बाद उनके बेटे संभाजी महाराज ने भी पोर्चुगीजों पर हमला किया। तब डरे हुए पोर्चुगीज धर्मगुरु, सेनापति, गवर्नर सारे के सारे सेंट जेवियर की शरण में पहुंच गए। सिशोर पादरे, संभाजी ने मर्दनगढ़ जीत लिया है और अब वो हमारी राजधानी से एक खास दूरी पर पहुंच चुके हैं। ओह, मेरे जीसस। ओह, जीसस। यानी हमारे पास सिर्फ एक रात है। कल संभाजी हम पर टूट पड़ेगा और हमें नष्ट-नाबूद कर देगा। ओ सांतो पादरियोर, साल्व नासाओ पुर्तगाज। A religião do Jesus, o val do alvo é o milagre. Acho que irá um chamacar de canal santo padrinho. O santo padrinho, jab tak sambhaji lot kar nahi chata, tab tak main ye rajdand nahi uthaunga. रिश्वेदाद सिजोर, एक खुशखबरी है। सिंभाजी अपनी फौज के साथ लौट गया। उसे खबर मिली कि मुगल फौज मराठों पर हमला करने के लिए आ रही है। सदैव स्नुसालवान।
ईश्वर ने ही रक्षा की हमारी। ओ सांतो बेंदितो, अधिकार ग्रहण करने से पहले हर गवर्नर राजदंड लाकर यहाँ रखेगा और आपका आशीर्वाद लेगा। पवित्र संत का आशीर्वाद मिल चुका है, अब हमें कोई खतरा नहीं है। अब ईसाई धर्म के प्रसार में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। मुइतबा आगे बढ़िए और जमकर ईसाई धर्म का प्रसार कीजिए। अत्याचारों से तंग आकर हजारों गोवंत किए गोवा छोड़कर चले गए। इसका नतीजा यह हुआ, गोवा में जो लोग ईसाई बन चुके थे या बनाए गए थे, वो सारे बेचैन रहने लगे। अपराधियों को हमारे सामने हाजिर किया जाए। इनका अपराध क्या है? धर्म से ईसाई होते हुए भी हिंदुओं के मंदिर में पूजा करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। एक ईसाई होके मंदिर में प्रवेश, ये तो बहुत भयंकर अपराध है। हम ईसाई नहीं है, हम जन्म से हिंदू है। तुम लोगों ने जोर जबरदस्ती से धर्म हम पे थोपा है। हाँ, तुम ही कौन हम तो धर्म बदल करे। हम हिंदू है हिंदू, और हिंदू होने के नाते मंदिर में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम रोक सकते हैं, हम यहाँ के शासक हैं, हम वीवो पोर्तुगा। तुम्हें यहाँ ईसाई बनकर जीना होगा या तो फिर मरना हो। हमें तुम्हारा यह ईसाई धर्म आज भी मंजूर नहीं है। तो तुम्हें मरना मंजूर है? सुल्तान, इन्हें ले जाओ और तब तक कोड़े लगाओ जब तक ये मर न जाए। ये अन्याय है, ना इंसाफी है। तो तुम्हें इंसाफ चाहिए। सुल्तान, इसे इतना पानी पियो कि पानी से भरकर इसका पेट फट जाए। इन दोनों की सजा का हम अभी होना चाहिए, इसी वक्त, इसी वक्त। इलाके के हजारों ईसाइयों को धर्म समीक्षण सभा ने कड़ी से कड़ी सजाएं दी, और जो ईसाई नहीं बने ऐसे हजारों यहां से भाग चुके हैं। हमने तो सोचा था ईसाई मजहब सभी धर्मों का सम्मान करते होंगे, लेकिन अफसोस। मगर इसमें ईसाई धर्म का कोई हाथ नहीं है, ये सब पुर्तगीजों के करतूत है। मेरे ख्याल से अब समय आ चुका है जब हमें पुर्तगाली शासन के विरोध में आवाज उठानी होगी। अगर हमने आवाज उठाई तो हर एक गोमंतकिया का स्वाभिमान जाग उठेगा। पिछले 250 सालों से हम कुछ नहीं कर पाए, अब हम अपनी फरियाद पुर्तगाल की पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे। उन पादरियों ने पुर्तगाल जाकर यहां के हालात तो बयान किए, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही खौफनाक हुआ। उन इंसाफ पसंद लोगों को घोड़ों के पीछे बांधकर घसीटा गया, जिसे देखकर लोगों के दिल दहल गए। यानी ये एक तरह की बगावत ही थी ना दादाजी? हाँ बेटी उषा, इस गदर को ही पिंटो की बगावत कहते हैं। यही वो मोड़ है जहां से गोवा के ईसाइयों ने भी गोवा मुक्ति संग्राम में अपना योगदान देना शुरू किया। यानी उन धर्मगुरुओं ने मातृभूमि के लिए बलिदान की एक मिसाल कायम की। सच कहा तुमने बेटी उषा, गोवा की जनता के दिलों में चिंगारियां तो जली रही थी। उस घटना के बाद वो भड़कने लगी, जिसने लोगों के हौसले दुगने कर दिए। यहां पर सत्तरी नाम का इलाका है,
जहां पर ज्यादातर लोग राणे वंश के हैं। इन राणे वंशीय लोगों ने पुर्तगीजों के खिलाफ 22 बार बगावत की। दरअसल ये आजादी की लड़ाइयां थी। ये लड़ाइयां सन 1755 से लेकर 1912 तक चली। इनमें सबसे अहम भूमिका 1852 में दीपाजी राणे की थी। इस संग्राम में गोवा की जनता ने अपना पूरा पूरा योगदान दिया। आखिर 1902 में पुर्तगीजों ने दादा राणे को सजा काटने तिमोर भेज दिया और 1912 में आखिरी बार 70 के 200 से अधिक लड़ाकों को अफ्रीका भेज दिया गया, जिनमें से 120 लोग रास्ते में ही मर गए। अरे बापरे, 20वीं सदी आने तक भी ऐसे घिनौने अत्याचार? हाँ बेटी, फिर भी बड़ी हिम्मत से गोवा की जनता ने 400 बरस तक अपना संघर्ष जारी रखा। ये सदी संघर्ष की ही सदी थी। पूरी दुनिया की तरह गोवा भी संक्रमण अवस्था तक पहुंच चुका था। आधुनिक युग की शुरुआत हो चुकी थी। इस दरमियान गोवा से कई अखबार तथा पत्रिकाएं छपने लगी थी। महाराष्ट्र से केसरी जैसे अखबार यहां आते थे, जिनके लेखों से लोगों में जागृति आने लगी थी। गोमांतकीय जनता के दिलों में आजादी का तूफान मचलने लगा था। सन 1928 में टीबी कुन्हा ने बंबई में गोवा कांग्रेस कमेटी की बुनियाद रखी। इस घटना ने गोवा मुक्ति आंदोलन को भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के साथ जोड़ दिया। गोवा के युवकों की ये मीटिंग इस बात की दलील है कि गोवा की मुक्ति और भारत की आजादी एक दूसरे से अलग नहीं है। इसी लिहाज से हमें आंदोलन की दिशा तय करनी होगी। काकोडकर जी, आपकी राय क्या है? टीबी कुन्हा ने जो कुछ कहा, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। भाइयों और बहनों, गोमंतकीय होने के नाते हम पर यह जिम्मेदारी अधिक है। गोवा मुक्ति के यज्ञ में आहुति देना हमारा कर्तव्य है और यह हमारा परम भाग्य भी होगा। इस मीटिंग में दिवाकर काकोडकर, चंद्रकांत काकोडकर, जोकिम डायस और जॉर्ज वाज जैसे कई कार्यकर्ता हाजिर थे। यही वो मोड़ है जहां से आजादी के आंदोलन तेज हुए और गुलामी के घनघोर अंधेरे से आशा की किरण फूट पड़ी। डॉक्टर लोहिया जी, ये आप क्या सोच रहे हैं? 18 जून मंगलवार शाम 4 बजे आप यहाँ आराम के लिए आए हैं? हाँ डॉक्टर जी, लेकिन यहाँ के हालात सुनने के बाद मैंने ठान लिया है कि 18 जून मंगलवार शाम 4 बजे हम सत्याग्रह करेंगे। यहाँ चल रहे भाषण बंदी और सभाबंदी के कानून को तोड़ना है हमें, और इसके लिए सत्याग्रह का मार्ग ही अपनाना होगा। और इसीलिए 18 जून मंगलवार शाम 4 बजे सत्याग्रह मैं करूंगा। जून मंगलवार शाम 4 बजे मडगांव पेट्रोल पंप के करीब। डॉक्टर लोहिया ने यह संघर्ष गोवा की जनता के नागरी अधिकारों के लिए छेड़ा था। यही गोवा मुक्ति आंदोलन की बुनियाद थी। बरसात का मौसम था, इसके बावजूद भी मडगांव के आसपास के कई गांवों से हजारों लोग इस सभा के लिए आए। गोवा वासियों, मेरे भाइयों और बहनों, हमें मालूम है कि एक विदेशी शासन ने छल कपट और बल के जरिए गोवा की आत्मा को कुचल डाला है। यहां मेरी मुलाकात कई लोगों से हुई,
उन्होंने पुर्तगीज के अत्याचारों के बारे में मुझे जो बातें बताई उससे यह जाहिर होता है कि आप लोग कितने भयानक अत्याचारों को सह रहे हैं। पुर्तगीज के राज में आप लोग कितने बेबस हैं। अपनी ही भूमि पर आपको न बोलने की आजादी है और न आप संगठित हो सकते हैं। इसलिए ऐ भारत भूमि के सपूतों, हे मॉन्सियर, आई वॉर्न यू, यू कैनॉट स्पीक। आई कैन सर्टेनली स्पीक। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें ऐसे जालिम शासन को चर से उखाड़ फेंकना है। किले मिली था तू गोवा का कानून तोड़ता है क्या? हम तुम लोगों को अरेस्ट करता है। अगर सालाजार जिंदाबाद कहने पर आपको गर्व है तो जय हिंद कहने पर हमें भी अभिमान है। चलो हमारे साथ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गोवा के इतिहास में पहले कभी सभा हुई ही नहीं थी और वो भी इतनी विशाल। इतिहास ने करवट ली थी और एक नए अध्याय की शुरुआत थी। गोवांतकीय जनता के मन में स्वाभिमान और स्वतंत्रता की आग सुलग चुकी थी। शांत स्वभाव के गोवांतकीय जोश में आकर आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो चुके थे। मंगलवार आजला, दीवार मंगलवार आजला। क्या करूं? गोवा मुक्ति की लड़ाई में अपना योगदान दीजिए, मेरी फिक्र मत कीजिए। चाहिए चाहिए ना, मोर्चा निकल जाएगा। सोल मिळाला उठला नार, कुडी उभी झाली आणि माऊली सडल कुंकुम। इन सत्याग्रहियों में पुरुषोत्तम काकोडकर, विश्वनाथ लवंदे, प्रमिला जामावलीकर, एवग्रू जॉर्ज, डॉक्टर विनायक वायकर, वत्सला कीर्तनी, वसंत कारे, लक्ष्मीदास बोरकर, नीलकंठ कारापुरकर और वेंकटेश वेरेकर जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता थे। डॉक्टर लोहिया, फास्ट फॉरवर्ड, इस पब्लिक को जरा समझा प्लीज। इसी पुलिस स्टेशन में डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर जुलियाओं और वत्सला कीर्तनी को कैद में रखा गया। दोस्तों, भाई और बहनों, शांत हो जाइए। हम गिरफ्तार होने वाले थे, यह हम जानते थे। हमारा ध्येय भी यही था। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि गोवा की भूमि आपसे बलिदान मांग रही है। अब
18 जून 1946 के दूसरे ही दिन पूरे गोवा इलाके में दीवारों पर पोस्टर्स चिपकाए गए। मराठी, हिंदी तथा कोंकणी में ये लिखा गया, डॉक्टर लोहिया को छोड़ दो, डॉक्टर लोहिया सोड़ा, डॉक्टर लोहिया ना मुक्त करा। डॉक्टर लोहिया को गोवा की सरहद से बाहर निकाल दिया गया, मगर उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन में अपने महान योगदान से एक नई जान फूंक दी थी। इनका जुर्म क्या है? सर, इन्होंने पुर्तगाली शासन के खिलाफ जनता को बगावत पर उकसाया है। इनका जुर्म है देशद्रोह। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? देशभक्ति और मातृभूमि की सेवा गुनाह नहीं है। गोवा हमारी मातृभूमि है और उसकी आजादी के लिए लड़ना कोई जुर्म नहीं है। 8 साल कड़ी कई सीमा पार सत्याग्रह करना और लोगों को आजादी के लिए जागरूक करना यह गुनाह नहीं है। दूसरों के भूमि पर शासन करना, लोगों की इच्छाओं को रौंदना, यह जुर्म है जो आप लोग कर रहे हैं। 9 साल कड़ी बामुशक्कत सीमा पर। इन नेताओं के साथ ही दत्तात्रेय देशपांडे, डॉक्टर विनायक मयकर, बापू शिरोडकर, डॉक्टर राम हेगड़े, पुरुषोत्तम काकोड़कर, एडवोकेट लक्ष्मीकांत भेमरे, डॉक्टर जुजे इनासियो लोयल, नारायण नायक, मुकुंद कामत धाकणकर, गिल्यारमी थिकला जैसे कई नेताओं को कड़ी से कड़ी सजाएं दी गईं। जनार्दन शिंकरे जैसे कई कार्यकर्ता आजादी की लड़ाई का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए ज्वाला नामक पोस्टर्स शहर की दीवारों पर चिपकाते रहे। इन पर लिखा होता था, ज्वाला की तरह जागो, अपने अंदर जोश पैदा करो और गोवा की आजादी के लिए एक दिल एक आवाज से कहो, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ज्वाला ज्वाला की तरह जाग उठो, अपने अंदर जोश पैदा करो और कहो जय हिंद जय हिंद। नेशनल कांग्रेस गोवा का नेतृत्व डॉक्टर राम हेगड़े कर रहे थे। उन्होंने गोवा के सत्याग्रहियों को ज्यादा सुसंगठित करने का प्रयत्न किया। शांतिपूर्ण आंदोलन का जोर बढ़ता जा रहा था। जय हिंद के नारे आसमान छूने लगे थे, लेकिन पुलिस भी चुप नहीं थी। निहत्ते सत्याग्रहियों के दमन के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाए, उन पर लाठियों की बौछार की, लेकिन सत्याग्रहियों के हौसले बुलंद थे। वो लाठियां खाते रहे, जय हिंद कहते रहे, लाठियां खाते रहे, जय हिंद कहते रहे, लाठियां खाते रहे, जय हिंद कहते रहे। कल रात जो हुआ ठीक नहीं हुआ लवंद साहब। हम लोग भी अजीब हैं, पिछले 450 सालों से लाठियां और गोलियां झेल रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अहिंसावादी आंदोलन भले ही चलते रहे, लेकिन हमें सशस्त्र प्रतिकार भी करना होगा। मेरे क्रांतिकारी साथियों, आज 23 अप्रैल 1947, आज हम आजाद गोमांतक दल की स्थापना कर रहे हैं। कहिए, आजाद गोमांतक दल जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद गोमांतक दल जिंदाबाद जिंदाबाद। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिशों के चुंगल से आजाद हुआ है। लेकिन तब भी गोवा पर पोर्चुगीजों का जालिम शासन चल रहा था। गोवा मुक्ति के लिए भारत सरकार ने पोर्चुगीजों से बातचीत के साथ साथ पत्राचार भी शुरू किया, क्योंकि गोवा हमेशा से ही भारत का हिस्सा था। लेकिन गोवावासी अपनी आजादी की लड़ाई खुद ही लड़ते रहे, गुलामी की जंजीरों से खुद ही जूझते रहे। भारत माता की जय, जय हिंद।
सन 1951 में दिवाकर काकोड़कर के साथ कई सत्याग्रहियों को सजा सुनाई गई। क्रांतिकारी दिवाकर काकोड़कर को बिना किसी पूछताछ के काबू वर्दे टापू पर भेज दिया गया। उसके बाद सन 1953 में दत्तात्रेय देशपांडे को लंबी सजा काटने के लिए पुर्तगाल भेज दिया गया। इन हादसों के बाद सन 1953 में ही पीटर अल्वारिस की अध्यक्षता में नेशनल कांग्रेस गोवा पुनर्संगठित की गई। अब तक ये गोवा के बाहर से कार्यरत थी। अब गोवा प्रदेश में इसका खुफिया कार्य होने लगा तथा यहीं से कार्यकारिणी सदस्य भी चुने जाने लगे। फिर अचानक सन 1954 की एक घटना ने आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। जब डॉक्टर पुंडलिक गायतोंडे ने अपना निषेध प्रकट किया। सीनियर आप भी तो कुछ कहिए। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पिछले 450 सालों से पुर्तगीजों ने यहाँ के लोगों के हर सुविधा का ख्याल किया है। आम जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं दी क्योंकि गोवा पुर्तगाल का समंदर पार का हिस्सा है। गोवा के मालिक पुर्तगीज ही तो है। यो प्रोटेस्टो, मैं निषेध करता हूं। डॉक्टर पुंडलिक गायतोंडे के विरोध जताने की घटना के बाद गोवा मुक्ति आंदोलन में दुगना जोश पैदा हो गया। डॉक्टर पुंडलिक गायतोंडे को सजा के तौर पर पुर्तगाल भेज दिया गया। उनकी पोर्चुगीज पत्नी उनके साथ गई। आजादी की इस लड़ाई में बच्चे और महिलाएं भी किसी भी तरह से पीछे नहीं थे। औरतों ने जो योगदान दिया वो एक मिसाल बनकर रह गया। अगर एक तरफ हिम्मत थी तो दूसरी ओर कायरता भी थी। कायरों ने हमेशा मैदान में पीठ दिखाई है, लेकिन भारत भूमि लाखों करोड़ों सपूतों की जननी है। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मेरा नाम सूर्य नारायण राव है। मैं आंध्र से आया हूँ, स्कूल से भागकर। तुमने अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया? मेरे माता पिता जी स्वतंत्र सैनिक हैं। मैं अगर गोली लगकर मर जाऊँ तो मेरे घर पर तार भेज देना। ऐसा मत कहो बेटा, अभी तुम छोटे हो। मेरे माता पिता को ये समझने दो कि मेरे शरीर में भी उन्हीं का खून दौड़ रहा है। बच्चों और औरतों के साथ बदसलूकी तो जैसे पोर्चुगीजों का रिवाज बन चुका था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ की हर महिला झांसी की रानी की तरह है। बेटी, आंदोलन इसी तरह चलते रहे और आजादी आंदोलन के नेता फ्रांसिस मास्कारेन्स और वामन देसाई के प्रयासों से यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोंस ने दादरा को पोर्चुगीज शासन से मुक्ति दिलाई। वो कौन सा दिन था दादाजी? वो दिन था 22 जुलाई 1954 का। उसके बाद इसी प्रकार आजाद गोमंतक दल, आरएसएस का एक गुट और गोवन पीपल्स पार्टी ने सशस्त्र हमला किया और 4 अगस्त 1954 को नगर हवेली को पोर्चुगीजों के चुंगल से आजाद करवाया। गोमांतकीय जनता पोर्चुगीजों को ललकारती रही और आंदोलन तेज होते गए। इस संग्राम में गोवा की जनता ने अपने आप को तन मन धन के साथ झोंक दिया। इस आंदोलन में शहीद होने वाले पहले सत्याग्रही का नाम था बाड़ा राया मापारी। बाड़ा राया मापारी का बलिदान इस लड़ाई में नींव का पत्थर बनकर रह गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय हिंद।
अगस्त 1954 के दिन अकेले हेमंत सोमण ने गोवा सचिवालय के सामने तिरंगा फहराने की कोशिश की। नारे लगाते हुए वो आगे बढ़ गए। मालकिरियाज, भारत माता की जय। तुम ये किसकी इजाजत से कर रहे थे? कैसे नाम, कहां से आए हो? मेरा नाम हेमंत सोमण है, मैं भारत का रहने वाला हूँ। आप लोगों के खिलाफ आंदोलन की जरूरत है, इसलिए मैं तिरंगा फहरा रहा हूँ। मर्ज, जय हिंद, जय हिंद। मारो इस कमीनी को। पिटर आलवालिस, नेशनल कांग्रेस गोवा क्या कदम उठाने वाली है? कदम तो जोरदार होंगे। अल्फ्रेड अफोंस, तुम क्या कहते हो? मेरे ख्याल से एक्शन प्लान तैयार किया जाए। प्लान तो मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। अब एक ही दिन, एक ही साथ तीन जगहों पर सत्याग्रह होंगे। सत्याग्रहियों की तीन टुकड़ियां तीन जगहों पर जाएंगी। पहली टुकड़ी एंथनी डिसोजा के नेतृत्व में पोलेम से होकर सीधे गोवा जाएंगे। दूसरी टुकड़ी के नेता होंगे मार्क फर्नांडिस, वो बांदा पत्रा देवी से होकर गोवा आएंगे। और अल्फ्रेड अफोंस, आप अपनी तीसरी टुकड़ी लेकर शिरोडा से सीधे तेरे खोल जाएंगे। ये हैं एंथनी डिसूजा, इस पहली टुकड़ी के नेता, और इनके साथ थे 19 सत्याग्रही जो पोले गांव से होते हुए गोवा पहुंचे। नेशनल कांग्रेस गोवा की दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मार्क फर्नांडिस, जिनके साथ थे 13 सत्याग्रही। बांदा पत्रा देवी से निकलकर ये लोग नेहबाग पहुंचे। अल्फ्रेड अफोंस अपनी 15 सत्याग्रहियों की तीसरी टुकड़ी के साथ शिरोडा पहुंचे, जहां लोगों ने ढोल और ताशों के साथ उनका स्वागत किया। तेरे खोल के ऐतिहासिक किले पर नेशनल कांग्रेस गोवा के सत्याग्रही और पोर्चुगीज पुलिस एक दूसरे के सामने आ गए। मैं जोस एंटोनी अल्वारेस इस किले का प्रमुख हूँ। मुझे आप लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर है। आप लोग वापस जाइए वहां पर। काज, हम लोग वापस जाने के लिए नहीं आए हैं। चलाना हो तो बेशक गोली चलाओ। बॉस जीसस साइबर माय, मैं आप लोगों पर गोली नहीं चला सकता। मैं आपको नहीं मारूंगा। तो अल्वारेस, बेहतर यही होगा कि तुम किला छोड़कर चले जाओ, वरना हमें मार दो। सोल्डात, चलो यहां से। दुविधा में पड़े पोर्चुगीज सिपाहियों ने किला छोड़ दिया। गर्व की बात यह है कि तेरे खोल किले को सत्याग्रहियों ने पूरा एक दिन अपने कब्जे में रखा और आजादी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। लोले गांव में एंथनी डिसूजा को गिरफ्तार किया गया और बाद में
21 मार्च 1955 के दिन मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें 28 साल कैद की सजा सुनाई। दूसरी टुकड़ी के नेता मार्क फर्नांडिस को नेहबाग में कैद किया गया और उन्हें 8 साल की सजा दी गई। दूसरे दिन तेरेखोल किले पर पहुंचकर पोर्चुगीज पुलिस ने तिरंगा ध्वज उतार दिया और तीसरी टुकड़ी के नेता अल्फ्रेड अफोंस और दूसरे सत्याग्रहियों को हिरासत में ले लिया और अफोंस को भी 8 साल की सजा सुनाई गई। ये तीनों सत्याग्रह भारत से गोवा की सीमा के अंदर जाकर किए गए थे, इसलिए गोवा के इतिहास में इनका अपना एक अलग सा महत्व है। आंदोलन के इस पर्व ने एक अलग सी जागृति पैदा कर दी। अब गोवा का आम आदमी भी इसमें हिस्सा लेने लगा। इस अगवा जेल में सत्याग्रहियों पर अनगिनत अत्याचार किए गए। सत्याग्रह करने के इल्जाम में त्रिविक्रम शंखवाड़कर को कवाड़मारी से पीटा गया। जब पुरुषों को भयानक सजाएं दी जाती थी तब महिलाओं को डराने के लिए वहां लाकर खड़ा कर दिया जाता था। हाँ देख रही हूँ। जय हिंद, जय हिंद। बस करके तो तेरी भी यही हालत होगी। कई सत्याग्रहियों के सर के बाल भगवाकर उस पर डामर बल दिया जाता था और उन्हें जबरदस्ती वीवा पुर्तगाल कहने के लिए कहा जाता था, जबकि वो लगातार जय हिंद के नारे देते रहते। अलवारू परेरा जैसे कई कार्यकर्ताओं को बर्फ की लादियों पर लिटाया जाता था तो कई दूसरों को सिगार की आग से दागा जाता था। जब वातावरण आहों और चीखों से भर जाता था तब बेरहम अफसर सिगार पीने का मजा उठाता था। हे लोक संतान, क्या कर सकते हो तुम तुम्हारे उस सुवर नेता के कहने पर? जज क्वाद्रोस, अगर मेरा नेता कहे तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा। तुम्हारे ये पुलिस चौकियां, ये कोर्ट, गवर्नर का पैलेस, सब कुछ बम से उड़ा दूंगा। पुर्तगीजों की जान ले लूंगा। चुप हो जा वरना बेमौत मरेगा तू। मरने का डर तो तुझ जैसे कायर को है जज क्वाद्रोस। मैं तो सीना तान कर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अरे मैं अगर डर गया तो तुम लोगों के साथ लड़ूंगा कैसे, तुमको मारूंगा कैसे? तू क्या मारेगा मुझे कमीने? 12 साल कैसे बामुशक्कत? बाहर आऊंगा तो पहले तुझे मारूंगा। जज क्वाद्रोस, तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ इस हरामी को और पीट पीट कर इसकी हड्डियां तोड़ दो मालंग। देशभक्तों का अपमान करने वाला जज क्वाद्रोस बड़ा ही मगरूर और बेहुदा आदमी था। उसकी भाषा भी बड़ी गंदी थी। क्रांतिकारियों ने उसे सबक सिखाने के लिए एक बुक बॉम्ब भेजा। इसे भेजने वाले क्रांतिकारी का नाम था पॉलिकॉर्पो द सिल्वा और किताब का शीर्षक था वे ऑफ लाइफ। बम उसके हाथों में ही फट गया जिससे उसकी उंगलियां उड़ गईं और वो कानों से भी बहरा हो गया। इसी दौरान गोवा विमोचन सहायक समिति के नेतृत्व में तेरेखोल किले पर सत्याग्रह हुआ। इस सत्याग्रह में हिरवे गुरुजी और शेषनाथ वाडेकर ने हिस्सा लिया। ऐसे आंदोलनों में सत्याग्रही पूरे भारत से आया करते थे। इनमें नाना साहेब गोरे, त्रिदीप कुमार चौधरी, जगन्नाथ राव जोशी, मधु लिमे, मधु दंडवटे और शिरुभाई लिमे जैसे नेताओं ने हिस्सा लिया था। चले जाओ, चले जाओ, चले
जालिमों की गोलियों के खिलाफ शांति के नारों की जंग थी। फिर वे गुरुजी और शेषनाथ वाडेकर शहीद हो गए। ये वक्त की पुकार है, गोवा चलो। ये हैं महाराष्ट्र के क्रांतिकारी कवि अमर शेख, जो गोवा पर रचा क्रांतिकारी गीत गाते हुए इस सत्याग्रह में शामिल हुए थे। पत्र देवी के इस सत्याग्रह में भारत के कई प्रांतों के लोग शामिल थे। इसका नेतृत्व कर रहे थे कॉमरेड विष्णुपंत चितड़े और आरएसएस के नेता वसंत राव ओक। ये हैं सहोदरा देवी, उत्तर प्रदेश से आई हुई। पंजाब से आए हुए करनाल सिंह। गोली गोली श्रृंखल जेल, जालिम खाए अंतिम जेल। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ सभी क्रांतिकारी आगे बढ़े। गोवा चलो, ये जिंदगी का राज है, गोवा चलो, भारत माता की जय। बांस हटाकर भारत माता की जय कहते हुए बाकी सत्याग्रही भी गोवा की सरहद में दाखिल हुए। श्री ओक को 3 गोलियां लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्वज को संभाले रखा। श्री ओक की पकड़ ढीली पड़ने लगी, हाथ से झंडा छूटने लगा। तभी फुर्ती से श्रीमती सहोदरा देवी ने आगे बढ़कर झंडा थाम लिया, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तभी बंदूक की एक गोली ने उनके दाहिने हाथ को जख्मी किया। वो खुद जमीन पर गिर गईं, लेकिन झंडा नहीं गिरने दिया। सहोदरा देवी राय, जो 15 साल की उम्र में ही विधवा हो चुकी थी, करनाल सिंह का खून खौल उठा। उसने अपना सीना दुश्मन के आगे करते हुए उसे ललकारा। अरे कायरो, औरत पे क्या गोली चलाता है? गोली चलाने है तो इस सीने पे चला, चला गोली। स्टेन गन की गोलियों ने उसके सीने को छलनी कर दिया। पंजाब से आए इस 25 साल के जवान का विवाह केवल 3 माह पहले हुआ था। प्राणाहुति के बाद भी उसकी आंखों का तेज कम नहीं हुआ। तुम्हारी वीरता और तुम्हारे बलिदान ने तुम्हें अमर कर दिया भैया। जय हिंद, जय हिंद। यहां 13 लोग शहीद हुए थे। पोर्चुगीजों की क्रूरता का यह नंगा नाच पूरी दुनिया ने देखा था। जालिमों ने जुल्म की परिसीमा कर दी। कई कार्यकर्ता रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दीवारों पर पोस्टर्स चिपकाते हैं। पत्रिकाएं इधर से उधर पहुंचाने का काम भी किया जाता है। ऐसे कामों में कई भूमिगत कार्यकर्ता भी पीछे नहीं थे। ऐसे कार्यकर्ताओं के घर जब तलाशी होती, तब घर की औरतें भी झंडे अपने बदन पर लपेटकर साड़ी में छिपा लेती थी। इसी दौरान आजाद गोमांतक दल, क्विट गोवा, रंगोर पत्रियातिको और गोवा लिबरेशन आर्मी जैसे क्रांतिकारी संगठनों ने अपना सशस्त्र आंदोलन और तेज कर दिया। बम जैसे खतरनाक हथियार बनाए जाने लगे। बम बनाने वालों में शिवाजी सावंत, जयसिंह राव राणे, अगस्तस अल्वारिस जैसे क्रांतिकारी शामिल थे।
1953 में टीबी गुन्हा पुर्तगाल से लौटे और 1957 में उन्होंने बंबई में गोवा एक्शन कमेटी की स्थापना की। उन्होंने सभी गुटों को एक जगह लाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आंदोलन में क्रांतिकारी मोड़ आ चुका था। हमें अपने प्रयास और भी तेज करने होंगे। वो सोडवण्याचा आवाज तुम्ही सद्दा सकाळच्या 7 आणि सांजेच्या 8 42:05 मित्रांचेर ऐकवतात। गोयचे सोडवण्याचा आवाज, गोयकरांचो निजाचो आवाज। सावई वेरे नामक इस छोटे से गांव में भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एक गोवावासी ने तिरंगा ध्वज फहराया। किश्तोद नाम के पोर्चुगीज खुफिया एजेंट ने झंडा उतारा, उसे अपने पैरों तले कुचला। इसको अभी नहीं, बाद में देखेंगे। और फिर तिरंगे को जला दिया। इस नीच को नहीं छोड़ूंगा मैं, इसने तिरंगा जलाया है, इसकी जान ले लूंगा मैं। इसका बदला लेने के लिए मोहन दानाडे के नेतृत्व में शंभू पालकर, दासू साफाड़कर आदि क्रांतिकारियों ने किश्तोद के घर जाकर उसे गोलियों से भून डाला और उसके घर से कुछ बंदूकें और कारतूस लेकर वहां से निकल भागे। इस कत्ल की तफ्तीश के लिए मोंतेरू जैसा जालिम अफसर आया, उसने शारदा सवाईकर को हिरासत में ले लिया। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। शारदा सावाईकर को लगातार 3 दिनों तक भूखा प्यासा खड़ा किया गया। उन्हें कवालमारी से बुरी तरह पीटा गया। उनके नाक मुंह से खून बहने लगा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी। ऐसी घिनौनी घटनाओं ने गोवावासियों के दिल गम और गुस्से से भर दिए। ऐसे में भास्कर वेलिंगकर जैसे कार्यकर्ताओं का योगदान महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने तरबूज में सलाखें काटने के आरे रखकर जेल में पहुंचाए। क्रांतिकारियों का जोश तो जैसे आसमान छू रहा था। मोहन रानाडे के नेतृत्व में मनोहर पेड़नेकर, शिवलिंग भोसले, सुखा शिरोडकर, रघुनाथ शिरोडकर आदि लोगों ने बेती पुलिस चौकी पर हमला किया। इस हमले में रानाडे और पुलिस वालों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई। तुम लोग हथियार लेकर भाग जाओ, मेरी फिक्र मत करो, भारत माता की जय। मोहन रानाडे को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया और सजा काटने के लिए उन्हें पुर्तगाल भेज दिया गया। ये वही हवलदार जेरुनीमू है जो जेल में गए कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा करता था। भद्रम कर्णे भेषरुणयाम देवः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रः स्थिरैरङ्गैरुष्टुष्ट्वां स्वस्थनुभिः वशेम देवहितं यदायुः। पुर्तगाल में इसी ने जानबूझकर मठ के स्वामी पर कीचड़ उछाला और कहा, लोग भजन गाने लगे। तब वो लोगों को बुरी तरह पीटते हुए कहता, अब बुलाओ अपने पंडरीनाथ को। रात के अंधेरे में प्रभाकर सिनारी अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ पुलिस के भेष में आए। चेरुनीमू के घर का दरवाजा ग्रेनेड से उड़ा दिया गया। उन्होंने जेरुनीमू को घसीटकर घर से बाहर निकाला, उसे डंडों से पीटना शुरू किया। जेरुनीमू गिड़गड़ाता रहा और क्रांतिकारी कहते रहे,
पंढरीनाथ तो किसी भी भेष में आ सकता है, ले अब तू अपनी जान बचा। इस तरह पोर्चुगीजों के बढ़ते जुल्मों सितम के जवाब में सत्याग्रहियों और क्रांतिकारियों की कार्रवाइयां भी बढ़ती गईं। दादाजी, इतना होने पर भी सारी दुनिया क्या सो रही थी? नहीं बेटी, गोवा का मामला अंतर्राष्ट्रीय बन चुका था, भारत पर भी दबाव बढ़ चुका था। वो कैसे? अप्रैल 1961 में मोरक्को के कासाब्लांका शहर में पोर्चुगीज उपनिवेश प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय परिषद हुई, जिसमें गोवा की ओर से डॉक्टर पुंडलिक गायतोंडे, जॉर्ज वाज, कैजेंटन लोबो और विदेशस्थ गुमंतकियों में अकिनु ब्रगेंजा, जुआओ काब्राल और एक पोर्चुगीज महिला वर्जीनिया मावरा हाजिर थे। इस परिषद में उपनिवेश की सभी राष्ट्रवादी शक्तियों द्वारा एकजुट होने का प्रस्ताव पारित किया गया। दादाजी, तब भारत सरकार का रवैया क्या था? तब दिल्ली में अरुणा आसफ अली की अध्यक्षता में इंडियन काउंसिल फॉर अफ्रीका का सेमिनार हुआ। उसके उद्घाटन पर पंडित नेहरू ने कहा था, कोई भी कदम उठाने से पहले भारत को एक राष्ट्र के तौर पर सोचना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गोवा मुक्ति के लिए भारत सरकार शस्त्र बल का प्रयोग नहीं करेगी। काल क्रांतिकारी कमांडेंट किंतनीला बोटीचेर बॉम्ब स्फोट घडयलो, ताचो सूड घेवच्या खातीर पुर्तुगेजांनी इंडियेचे साबरमती बोटीचेर आनी एक पागोंग गेल्ल्या पोंदेवाचेर फार मारले। हाचो परिणाम म्हूण इंडियेच्या सरकारान आतां पुर्तुगाला कडे आपले राजकीय संबंद सामके तोडले। एके भाशेन आमच्यान म्हणू येता, गोंयकारांचो त्याग सफल जालो। अंततः वो दिन आ ही गया जब भारत सरकार को गोवा मुक्ति के लिए फौजी कार्रवाई का फैसला लेना ही पड़ा, और 17 दिसंबर 1961 को आधी रात में भारतीय फौज का काफिला अपने हथियार और टैंकों के साथ बड़े जोश के साथ गोवा की भूमि में दाखिल हुआ। भारत की मुस्तैद फौज आगे बढ़ी, लेकिन सत्याग्रहियों और क्रांतिकारियों की शक्ति के आगे खोखले हुए पोर्चुगीज शासन ने 24 घंटे के अंदर हथियार डाल दिए। भारतीय फौज की इस कार्रवाई को ही ऑपरेशन विजय कहते हैं। शरणागति की रस्म वास्को में रात 8 बजे पूरी की गई। गोवा के तत्कालीन गवर्नर जनरल बासालू ई सिल्वा ने भारतीय सेना के ब्रिगेडियर ढिल्लन के सामने पोर्चुगीजों की शरणागति पर हस्ताक्षर किए। कितनी रोमांचक खड़ी होगी वो दादाजी, कैसे माहौल भर गया होगा खुशी से। हाँ बेटी, हजारों शहीदों की कुर्बानियों की वजह से वो शुभ दिन देखने को मिला हम गोवा वासियों को। काश वो उत्सव हमें भी देखने मिलता दादाजी। दादाजी, उस जश्न के बारे में और कुछ बताइए ना। 19 दिसंबर 1961 दोपहर को गोवा आजाद हुआ और गोमांतक के आसमान पर तिरंगा बड़ी शान से लहराने लगा। आज गोय स्वतंत्र झाले, भावानो आणि बहिणानो, आज गोय स्वतंत्र। बेटी उषा, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि कब रात ढली और कब सवेरा हुआ। अब अपनी भूमि के हम खुद ही मालिक हैं। खैर छोड़ो बेटी, तुम परदेश जाने के लिए तैयार हो जाओ, पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाओ। दादाजी, अब मेरा भविष्य सिर्फ मेरा गोमांतक है, अब हम सबको मिलकर गोवा की तरक्की के लिए काम करना होगा। दादाजी, मैं आपको और अपने गोवा को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तुम पर गर्व है बेटी उषा, आज के गोवा को, अपने गोमांतक को तुम जैसी नौजवान पीढ़ी की ही जरूरत है। शाबाश बच्चे, शाबाश। समय ने करवट ली और गोमांतक अतीत के अंधेरों से बाहर आ गया। शहीदों की कुर्बानियों का रंग आजादी के तेज में बदल गया। ला, 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 ला।
जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। गोवा भारत का अभिन्न अंग बन गया। गोमांतक की पावन भूमि पर तिरंगा बड़ी शान से लहराने लगा। सदियों से दबी गोवा की जनता ने 19 दिसंबर 1961 के दिन मुक्ति की सांस अपने सीने में भर ली।